दोस्तों नमस्कार। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद एवं नववर्ष स्वागत समारोह समिति बाड़मेर द्वारा 8 अप्रैल को जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में हनुमत शक्ति जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कल बाड़मेर आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कल बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे और भजनलाल शर्मा कल धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में मंच साझा करेंगे। जो कार्यक्रम हो रहा है उनके साथ में भजनलाल शर्मा भी बैठेंगे और साथ में जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी वो भी मंच साझा करेंगे। आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम आयोजित करता खेमचंद सोलंकी ने बताया कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में हनुमान शक्ति जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हिंदू धर्म प्रचारक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कल बाड़मेर रहेंगे और आध्यात्मिक समाधान सत्र एवं आरसी वर्चन संबंध में भाग लेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ छोटी सी बड़ी खबर के लिए अशोक सेरा टीम से, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार होता है उसके निमित्त हर वर्ष हम है वह विश्व हिंदू परिषद एवं नववर्ष स्वागत समारोह समिति के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के है वो कार्यक्रम वर्ष पर होते रहते हैं, जिसमें से इस वर्ष अभी जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम है उसके निमित्त ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवास हमें बाड़मेर पर मिला। यह हमारा सौभाग्य का विषय है। कल अपने हाई स्कूल मैदान में शाम 5 बजे हनुमत शक्ति जागरण और आशीर्वचन का कार्यक्रम रहेगा। भारतीय संस्कृति का विश्व में डंका अभी जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, राम मंदिर की स्थापना होने के पश्चात जगह जगह पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने हेतु वर्तमान समय में राष्ट्र रक्षा, नारी सुरक्षा, सामाजिक समरसता जैसे विषय जो कि है वह देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, इन मुद्दों पर अभी भारत के युवा संत आचार्य धर्म के प्रचारक आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जगह जगह पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी निमित्त नववर्ष की पूर्व संध्या पर बाड़मेर की जनता को भी यह आशीर्वचन प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या भजन? यहाँ पर अखंड हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा और श्रीमान आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री का आशीर्वचन रहेगा।